सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉमी ने लो एंड शॉमी पैड में भी हाइपर ओएस के स्टेबल अपडेट्स को रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने आप सभी से यहाँ पे कह दिया था कि यहाँ पे रेडमी पैड में हाइपर ओएस का स्टेबल अपडेट 1.0.2.0 के स्टेबल बिल्ड में एंड्रॉयड 14 पे बेस्ड पे बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ किया जाने वाला है। सो अब यहाँ पे शॉमी ने हाइपर ओएस का स्टेबल अपडेट रेडमी पैड के लिए 1.0.2.0 ULYCNXM के बिल्ड में रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और ये स्टेबल अपडेट अभी केवल बेटा टेस्टर्स के लिए ही रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इस वाले स्टेबल अपडेट को हम MI पायलट से पब्लिक में एक हफ्ते के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ इसके मैं डाउनलोड लिंक्स भी ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। सो आप इस अपडेट को चूज़ अपडेट पैकेज से फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाइना रोम MIUI 14 को यूज़ कर रहे हैं सो आपको सिंपली इस अपडेट को MI पायलट से पब्लिक में रिलीज़ होने का वेट करना है। सो अब हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि अपडेट का साइज़ हमें कितना देखने के लिए मिलता है। सो इस अपडेट का साइज़ आपको 4GB का यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि ये स्टेबल अपडेट हमारा एंड्रॉयड 13 से एंड्रॉयड 14 और MIUI 14 से हाइपर ओएस पे बेस्ड हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सो यहाँ पे शॉमी ने फाइनली हाइपर ओएस के स्टेबल अपडेट्स को रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है चाइना रीजन में, और अब यहाँ पे ग्लोबल रीजन के लिए बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा। ग्लोबल इंडिया यूरोप के लिए इंटरनल स्टेबल टेस्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और अब शॉमी इंटरनल स्टेबल टेस्टिंग को ख़त्म करके स्टेबल बिल्ड्स को बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ करेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें देखने के लिए मिलती है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन व्हेनेवर Xiaomi will release global HyperOS for Redmi Pad. I will create the long video very soon. So stay tuned and hit the subscribe button now and join my Telegram channel now to know the more information related to Xiaomi HyperOS for the Redmi Pad.